हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन, वो भी रेगुलर वर्ब्स का। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, इससे पहले क्या लेसन्स हुए हैं वो ऑलरेडी वीडियोस पहले हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले लेसन्स आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर आप प्रेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा, अगर सपोज आप ये करते हैं, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको वीडियोज 3-4 डेज पहले मिल जाएगा करेंगी। आपको नॉर्मल जो ऑडियंस है उससे पहले आपको 3-4 दिन पहले वीडियोस मिल जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कुछ भी सीखा एंड आपको लगा कि हाँ, इस चैनल से हमने कुछ सीखा और आसानी से सीखा और आप मेरी टीचिंग को सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू जॉइन दिस बटन, आई मीन डू प्रेस दिस बटन एंड जॉइन दिस चैनल। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको आप डेमो ले सकते हैं, डेमो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई चार्ज नहीं देना, कुछ नहीं देना। डेमो के बाद अगर आपको पसंद आता है तो then you can join. Okay, thank you very much. अब हम start करते हैं verb conjugation. Verb conjugation basically क्या है, कैसे करनी है, regular में किस तरह की verb conjugation होती है। सबसे पहली बात, बहुत आसान होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, conjugation क्या है। conjugation जैसे कि अगर हिंदी में बात करें, अगर हमारी verb है खाना तो हम क्या कहते हैं, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वो खाता है, तो ता, ते, ती, ये these endings are called conjugations. अगर मैं English में बात करूँ तो English में सपोज हमारी verb है play, तो I play, you play, he, she, it के साथ plays आता है, वहाँ पर ऐसा आता है, otherwise कोई difference नहीं है, otherwise सब जगह play, play, play आता है, तो English में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में ता, ते, ती, जर्मन में भी ऐसे ही हमारी वर्ब कॉन्जुगेशंस होती हैं। तो वर्ब कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है, कैसे बनती है, मैं वो आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वर्ब है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम, टू कम, आना। तो अब इसको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, अगर सपोज मैं बोलूँ मैं आ रही हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, या तुम आ रहे हो तो तुम कैसे बोलोगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्रोनोमन पता होने चाहिए, इश, डू, एयर, जी, एस, एयर, जी, एस मतलब ही, शी, इट, वियर, जी कैपिटल वाला जी एंड स्मॉल वाला जी एंड ईयर। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी कॉन्जुगेशन सेम है। ये तीनों एक साथ इसलिए लिखे हैं, इन तीनों की कॉन्जुगेशन सेम है। मैं मतलब पहले बता देती हूँ, इश मतलब आई, डू मतलब तू या यू इनफॉर्मल, एस जी एस मतलब ही, शी, इट, वियर, जी, जी का मतलब वी, ये वाला यू है मतलब आप वाला, आप या आप लोग दोनों में यूज होता है, और ये है दे, एंड ईयर मतलब यू ऑल बट इनफॉर्मल, तुम लोग, इसका मतलब है तुम लोग, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्जुगेशन अगर हमें कॉन्जुगेशन करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वर्ब की रूट उठानी होगी। तो वर्ब की कोई भी रूट होती है वो यहां तक होती है, क्या होती है, ये हमारी रूट है इतनी, ई एन छोड़ के। तो सबसे पहले मैं वर्ब की रूट लिख लेती हूँ, से वर्ब की, ये के स्मॉल आएगा, वर्ब हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। तो यहां पर अब इसकी एंडिंग क्या आएगी, अब ये तो हमने रूट सेम लिख लिया, अब इनकी एंडिंग्स होंगी। तो एंडिंग क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इश के साथ जुड़ता है ई, इश कॉमा, दू के साथ जुड़ता है एस टी, दू कॉम्स्ट, एस जी एस कॉम्ट, वी एस जी जी कॉमन, ईयर कॉम्ट। तो आपने क्या देखा, इश के साथ जुड़ा ई, डू के साथ एस टी, एस जी एस के साथ टी, वी एस जी जी के साथ ई एन, एंड ईयर के साथ टी। तो ये हमारी कॉन्जुगेशन है, इश के साथ ई जुड़ता है, डू के साथ एस टी, एस जी एस के साथ टी, वी एस जी जी के साथ ई एन, और ईयर के साथ टी। तो इश कॉमा, डू कॉम्स्ट, एस जी एस कॉम्ट, वी एस जी जी कॉमन, ईयर कॉम्ट। अगर आपको याद होगा जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए थे तो हमने कुछ इस तरह से सेंटेंस लिखा था, वो है कॉम्स्ट डू, राइट और आंसर में हमने लिखा था इश कॉमा आउस इंडियन। तो हमने ये देखो, हमने क्यों लिखा था, ये देखो डू था, क्वेश्चन डू में था इसलिए एस टी आया। ये फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम बाद में सीखेंगे, बट मैं अभी कॉन्जुगेशन बता रही हूं कि डू था इसलिए हमने एस टी लगाया, यहां पर इश है इसलिए ई एंडिंग आई, तो वो है कॉम्सू और इश कॉमाउस इंडियन, राइट।
तो यहाँ पर ये था वोहर कॉम्स डू, इश कॉमा हाउसिंग, इश की वजह से ई एंडिंग लगा, डू की वजह से एसटी एंडिंग लगा। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन का ये यूज है कि जो हम सब्जेक्ट प्रोनोमन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज करेंगे। तो इश कॉमा मतलब मैं आती हूँ या मैं आई हूँ, इश मैं आ रही हूँ, इश कॉमा हाउस इंडियन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ मैं इंडिया से हूँ, तो इश कॉमा हाउस इंडियन। अगर मेरे को बोला तुम इंडिया से हो तो मैं क्या बोलूंगी, डू कॉम्स्ट हाउस इंडियन। वो इंडिया से तो एयर कॉम्ट हाउस इंडियन, हम लोग इंडिया से हैं तो मैं बोलूंगी वी आर कॉमन हाउस इंडियन। ईयर कॉम्ट यानी कि तुम लोग इंडिया से हो। तो ये कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, इससे मीनिंग बनते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो डू कॉम्स तुम इंडिया से आते हो, अभी हम ये स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे। डू कॉम्स्ट हाउस इंडियन मतलब तुम इंडिया से आते हो, ये नॉर्मल बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ एयर कॉम्ट हाउस इंडियन, वो इंडिया से आता है, आया है या आता है। देन जी कॉम्ट हाउस इंडियन, वो इंडिया से आई है या आती है या बिलोंग करती है। इस तरह से कॉमन का मतलब होता है टू कम, एंड हाउस मतलब फ्रॉम, तो इंडिया से आना। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन, ये इससे क्या हुआ, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, इश किया इसलिए ई एंडिंग लगाई, डू लगाया तो इसलिए एसटी एंडिंग लगाई, एयर लगाया तो बस आपको कॉन्जुगेशन चेंज करनी है और सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम है एज इट इज, कुछ करना ही नहीं है। वर्ब लिया, सब्जेक्ट प्रोनोमन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया, बाकी सेंटेंस सेम है। इश कॉमा हाउस इंडियन, डू कॉम्स हाउस इंडियन, तो मीनिंग चेंज हो गए कि तुम आते हो, वो आता है, ये आता है। इस तरह से हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। तो अगर सपोज मैं अब दूसरी वर्ब लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वोनन, हम वोनन वापस वहीं पर चलते हैं, वहां पर अगर देखते हैं, हाँ तो ये कॉमन था। अब एक और वर्ब लेते हैं हम वोनन, वोनन का मतलब होता है टू लिव, रहना। अब इसकी कॉन्जुगेशन करनी है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले रूट उठानी होगी, रूट क्या है इसकी, वोन तक। तो अब मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इसकी रूट लिखनी होगी, रूट लिखी मैंने, इश ये मैं एक ही बार लिख दिया उधर, तो अब मुझे कॉन्जुगेशन करनी होगी तो क्या करना होगा, इश वोना, डू वोन्स्ट, एज यस वोंट, वियर्स इज ही वोनन, ईयर वोंट। तो इश वोना, डू वोन्स्ट, एज यस वोंट, वियर्स इज ही वोनन, ईयर वोंट। तो इश में क्या आया, ई एंडिंग, डू में एस टी, एज यस में टी, वियर्स इज ही में ई एन और ईयर में टी। तो इश वोना, डू वोन्स्ट, एज यस वोंट, वियर्स इज ही वोनन, ईयर वोंट। तो इश में ई एंडिंग आएगा, डू में एस टी, एज यस में टी, वियर्स इज ही में ई एन, ईयर में टी। ये आपकी वर्ब कॉन्जुगेशन हो गई। तो अब जैसे सपोज मेरे को बोलना है मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, इश वोना इन दिल्ली। जैसे हमने, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन हमने क्या किया था, वो वोन्स तू, वो वोन्स तू, वो वोन्स तू। तो आपने आंसर क्या दिया था, इश वोना इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, इश वोना इन दिल्ली। तो हमारा डू की वजह से एस टी कॉन्जुगेशन आया था और इश की वजह से ई कॉन्जुगेशन, ई एंडिंग आई थी। तो वो वोन्स तू, इश वोना इन दिल्ली, तो इश की वजह से हमने ई लगाया था। अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आया जो उस दौरान हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में किया था। तो वो वोन्स तू एस टी क्यू लगा था, डू की वजह से, और इश की वजह से ई लगा था, इश वोना इन दिल्ली। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको वर्ब कॉन्जुगेशन करनी है। तो आपने अल्टीमेटली क्या समझ में आया, आपको ई लगाना है, एस टी लगाना है, टी लगाना है, ई एन लगाना है, टी लगाना है। यानी कि इश की कॉन्जुगेशन आई तो ई, डू की तो ये, एज एस हुआ तो जस्टी, और वियर जीजी हुआ तो एक्चुअल फॉर्म जो ई एन होती है, और ईयर हुआ तो टी आया। ये हमारी वर्ब कॉन्जुगेशन है, ई राइट, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है। तो मैं आपको वर्ब्स दे रही हूँ, आपको कॉन्जुगेट करना है। सबसे पहले वर्ब है हमारी स्पीलन, स्पीलन का मतलब होता है टू प्ले। तो आपको स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आई प्ले फुटबॉल, तो आप क्या बोलोगे, इश स्पील फुटबॉल। आपने इसकी रूट उठाई, ई के साथ कॉन्जुगेट करा, इश स्पील, पहले आप वर्ब कॉन्जुगेशन करना, इश स्पील, डू स्पील, एज ए स्पील, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाना। तो आपको एक कॉन्जुगेशन करनी है स्पीलन की, कॉखन की, काउफन की। कॉखन का मतलब होता है टू कुक, काउफन का मतलब होता है टू बाय, ह्योरन का मतलब होता है टू लिसन। आपको इन सब की कॉन्जुगेशन करनी है। एंड एक और वर्ब ले लेते हैं अभी नहीं करेंगे वो लोग, वो वाली कॉन्जुगेशन। तो ये हम लोग वर्ब कॉन्जुगेशन आपको करनी है स्पीलन, कॉखन, काउफन और ह्योरन की। तो कैसे कॉन्जुगेट करना है आपको, सिंपल इश डू एयर जी S, wear, Z, Z, and ear, इस तरह से लिखना है। एंड देन पहले स्पीलन लिखना है, फिर उसको कॉन्जुगेट करना है, पहले रूट लिखनी है, देन उनकी एंडिंग्स लगानी है, ह्योरन,
कौखन काउफन इस तरह से आपको कॉन्जुगेट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस चीज का PDF चाहिए जो मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, तो इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉगर का आपको एक लिंक मिलेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। वहाँ पर सारे PDFs होंगे जो जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ से स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।